हाई एवरीवन, दिस साइड निशा शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा शर्मा लाइफस्टाइल। सो गाइस, ये होने वाला है अपना फर्स्ट व्लॉग। मैंने आज तक कोई व्लॉग नहीं बनाया, बट आज हम कहीं जा रहे थे घूमने वीकेंड में, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को भी विजिट करवा दी जाए, और आप लोगों को जगह बहुत ही पसंद आने वाली है। सो गेस व्हाट, हम कहाँ जा रहे हैं? तो वैसे हम बहुत दूर नहीं जा रहे हैं, आगरा मथुरा वृंदावन नहीं जा रहे हैं, लेकिन ताजमहल फतेहपुर सीकरी सब मैं आपको विजिट करवाने वाली हूँ, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, सो अब हम जा रहे हैं कुंडली मानेसर एक्सप्रेस हाईवे। आपको बताना ये एक्सप्रेस हाईवे है अपना, वहाँ जा रहे हैं और ये अभी मस्ती कर रहे हैं। इतनी तेज हवा है कि कार भी उड़ जाएगी। और मैं वहाँ पर जाकर आपको बहुत अच्छी अच्छी ताजमहल की पूरी बढ़िया वाली विजिट करवाने वाली हूँ। ठीक है, सो मिलते हैं आप सीधा ताज पे। ये केएमपी है, इसके ऊपर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा जाता है ये, लेकिन ये बहुत सही है, इससे है ना शॉर्ट हो गया रास्ता बहुत ज्यादा। फाइनली After 4 hours, now we are in आगरा। हम ताजमहल पहुंचने वाले हैं। मम्मी ना पहली बार ना 7th क्लास में ताजमहल आई थी और अब आ रही है। Yes. और अब मैं 7th क्लास में हूँ। Yes, what a coincidence. मैं फर्स्ट टाइम ताजमहल तब आई थी जब मैं 7th क्लास में थी, और मेरा बच्चा फर्स्ट टाइम ताजमहल आ रहा तब ये 7th क्लास में है। एंड मम्मी एंड बेटा सेम पापा और मैं भी सेम है। डी आगरा लग रहा है मुझे, जैसे जयपुर पिंक सिटी है एंड एग्जैक्टली इट्स अ रेड सिटी आगरा। लाल लाल है, सारी बिल्डिंग्स देखो पुरानी पुरानी है ना। ये आगरा फोर्ट है, ये मुगल्स लोग यहाँ रहते थे। देखो कितने बड़े बड़े किले इन्होंने बनाए हैं, इतिहास में मेरे को पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। आगरा का किला है ये, देखो कैसा लग रहा है। इतना बड़ा किला मेरे पे हो, मम्मा नहीं बन जो पैसा जा। कितनी वास्तुकला देखो, कैसे पत्थर काट काट के चिपका रखे हैं ना। अरावली के पत्थर है, अरावली के लाल लाल। पहले पहाड़ थे ना सारे। इट्स आगरा फोर्ट, वेरी ब्यूटीफुल ना, बूथी फूल। इसके अंदर भी चलेंगे बाद में, बाली बूथी फूल। देखो पुराने जमाने में बिना मशीनों के कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, और कितने ये देखो और ये माला कितनी सुंदर लग रही है ना, मैंने ताजमहल एंट्री करते ही ली है पत्थर की। सो गाड़ी हमने कर दी है बाहर कवर, और अब हम जा रहे हैं ताजमहल। जाने का भी अपना ही मजा है, गाड़ी ताजमहल से काफी दूर पार्क हो गई है और अब ऑटो में जा रहे हैं। यहाँ से ऐसे ओपनिंग शुरू हो गई है। से हेलो काव्या टू माय स्टूडेंट्स, से हाय। सो ये ऐसे ताजमहल की पिक्चर्स लगी हुई है यहाँ पर, जब हम ओपनिंग में जाते हैं ना तो पिक्चर्स हैं सारी ताजमहल की, है ना, कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ था, ये सारी पिक्चर्स हैं ऑन द वे। और ये एक छोटी सी मार्केट है, यहाँ हम अंदर एंट्री कर रहे हैं दरवाजे से। है आज कम है, खैर भीड़, आज ईद भी है ना। अरे अंदर जाके देख, ये ताजमहल नहीं है, ये एंट्री है अंश। ताजमहल का ताजमहल भी आएगा, अंश बेचैन हो रहा है कि ताजमहल कहाँ है। तूने फोटो में देखा ताजमहल व्हाइट है या रेड है, पहले ही बता। ये एंट्री गेट है बेटा, इसके पीछे। हाँ इसके पीछे ताजमहल है, पूरा छोटा सा, छोटा सा नहीं है पास। छोटा ये देखिए करीब से, अब ऊपर जाएंगे, ऊपर शायद कैमरा अलाउड नहीं होगा। क्यों अलाउड नहीं है, है तो। अंदर कैमरा अलाउड नहीं होता, क्यों नहीं होता, छुपके घुमा लेंगे। ये सेकंड साइड है ना ताजमहल की, ये शाहजहां जहां शायद बंद किए गए थे वो वाली जगह है ना। और ये देखो ये ताजमहल का वो फ्रंट साइड था, ये साइड दूसरी साइड है। शू कवर डालने पड़ते हैं ताजमहल में एंट्री करने से पहले, शू कवर उधर जाएंगे। दिखाना काव्या शूज कवर, हाँ लाइक दिस, ये डालने पड़ते हैं क्योंकि शायद वाइट है, पता नहीं क्यों, रीजन पूछेंगे अंदर जाके, आई विल टेल यू द रीजन।
तक आपको देखना है तो 200 का टिकट है और बाहर सिर्फ घूमना है तो 50 रुपीज़ का टिकट है। टोटल अंदर आने का पर पर्सन 250 रुपये का टिकट है और 15 साल से बच्चों का टिकट नहीं है। कुछ तो बात है इन मीनारों में, कुछ तो बात है इस मोहब्बत में, वरना इन मीनारों को ताजमहल क्यों कर। मेन एंट्री कितना बड़ा है आंश, देखो आप कह रहे थे ना छोटा सा ताजमहल, आप देखो। ये एंट्री है और यहाँ से एंट्री हो गई है ताजमहल अंदर, और यहाँ पर फोटोग्राफी शायद प्रोहिबिटेड है तो कैमरा बंद कर देते हैं। आप भी पूछ रहे इसको ही देखने कुछ सीक्रेट कमरे वगैरह? कोई कमरे नहीं है, दो कमरे हैं, एक मुमताज एक शाहजा, शाहजा और मुमताज की दो कब्रें हैं बस। ये मैं तुम्हें कितना अच्छा व्यू दिखा रही हूँ, बिल्कुल चोटी ये ताजमहल का देखो पीक पॉइंट है, देख लो। तुम्हारे लिए कितना मेहनत से व्लॉग बनाया, इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा शेयर भी करना, बहुत सारा लाइक जरूर करना।